केरल में कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना के दौरान दो विस्फोट, एक की मौत, कई घायल, घायलों में से कुछ की हालत गंभीर। सतना पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मी यादव का बड़ा बयान आया सामने। मुकुट बांधना है तो गगनेन सिंह से समझौता करना पड़ेगा, गगनेन सिंह को नेता मानना पड़ेगा, हम लोगों की शरण में आना पड़ेगा चाहे जितना बड़ा बहादुर हो। सतना जिले में हमारे और गगनेन्द्र के बिना नहीं बनेगा मुकुट। हम मुकुट बांधे का है तो गगनेन जी के से समझौता करेगा पड़ी, गगनेन जी का नेता मानेगा पड़ी, हम लोगन के शरण में आमे का पड़ी चाहे कितना बड़ा बहादुर हो। अपना वचन के बीच में कही थे पुनः कि सतना जिला में बिना हमरे मुकुट ना बंधी हमरे गगनेन जी के, तो वह मुकुट का हम उतारे नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे चाहिए कि जो निर्णय अपना वचन का हो गगनेन जी के नेतृत्व में नगौर विधानसभा में वह निर्णय में हम गगनेन जी के साथ हैं। मरीज को मारने वाले जूनियर डॉक्टर पर हुई कार्रवाई। इंदौर में एम वाई अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और मरीज के बीच हुए विवाद में जूनियर डॉक्टर की अनुशासनहीनता की गंभीरता को देखते हुए विभाग अध्यक्ष ऑर्थोपेडिक द्वारा जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर ने जांच समिति बनाई जो 3 दिन से जाँच प्रतिवेदन सौंपेगी। अमर पाटन NH 30 ग्राम पड़हा के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े आवारा पशुओं से टकराई। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग हुए घायल। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय पटेल द्वारा घायल मोटरसाइकिल सवार दोनों गंभीर घायलों को अपने वाहन से CHC अमर पाटन पहुंचाया गया। मिर्जापुर से मैहर जाते समय हुआ हादसा। आयुक्त नगर निगम के निर्देश पर अतिक्रमण अधिकारी द्वारा बस स्टैंड में बेतरतीब खड़े सड़क पर ठेले और आवागमन को बाधित कर रहे हैं। आज सुबह से कार्रवाई की जाकर सभी ठेलों को टाउन हॉल के रिक्त स्थल पर व्यवस्थित कराया गया। यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका रहेगा विधानसभा से। अब रानी बागरी होंगी विंध्य जनता पार्टी की प्रत्याशी। सतना विंध्य जनता पार्टी ने रैगांव सीट पर बदला अपना प्रत्याशी। आरती वर्मा की जगह अब रानी बागरी होंगी रैगांव विधानसभा से विंध्य जनता पार्टी की प्रत्याशी। 30 अक्टूबर को विंध्य जनता पार्टी से कर सकती है नामांकन दाखिल। रानी बागरी सहित उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा से तोड़ा नाता और नारायण त्रिपाठी के हाथों ली विंध्य जनता पार्टी की सदस्यता। चित्रकूट में भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के जन्मोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में चित्रकूट में हुआ शारदोत्सव। साधु संतों की उपस्थिति में आयोजन का हुआ शुभारंभ। सुरेंद्र पाल ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ आयोजन। शहर के औसत से कम मतदान वाले क्षेत्रों में साइकिल लेकर पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी। सतना जिले में जारी स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जिला स्तर तक जिले की समस्त जनपद एवं नगरीय निकायों के मुख्यालय स्तर पर मतदान जागरूकता के लिए एक साथ साइकिल रैली निकालने का किया गया आयोजन। सतना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चित्रकूट में पुलिस और ITBP के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च।